हेलो दोस्तों, क्या NTS में स्कैम है? क्या नीट एग्ज़ाम फिर से होगा? क्या इस बार भी सिलेक्शन होगा? कट ऑफ कितना ज़्यादा हाई जाएगा? तो इन सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए स्वागत है DNB आजीज यूट्यूब चैनल में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि यही इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच जाए। तो इसको समझने के लिए हम क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे। तो नीट एग्ज़ाम जो कि 5th मई को हुआ था और 24 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर किया था, 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर किया था और इलेक्शन का रिजल्ट भी इसी दिन हो रहा था। उसके बाद बहुत सारा क्वेश्चंस अराइज हुए थे, जैसे कि रिजल्ट 4 जून को ही क्यों दिया गया था, इतना ज़्यादा टॉपर्स क्यों निकल के आ गया, 718 और 719 मार्क्स कैसे मिला। इस सारे क्वेश्चंस का जवाब ढूंढने के लिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट्स एक पटिशन फाइल किया था टू द रेस्पेक्टिव हाई कोर्ट। NTA ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाया था। उस एक्सपर्ट कमेटी के द्वारा जो रिकमेंडेशन आएगा, उसके हिसाब से ही NTA वालों ने डिसाइड करेंगे आगे क्या करने वाला है। उसके बाद 6 जून 2024 में एक क्लारिफिकेशन दिया गया है, उसमें कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किया गया है जिसके लिए इतना सारा टॉपर्स और गड़बड़ हो गया। पहला पॉइंट बोला है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स इस बार अपीयर करने के लिए स्कोर भी बहुत ज़्यादा किया है, जिसके लिए टॉपर्स भी बहुत लोग आगे निकल गए। और सेकेंड पॉइंट, कुछ सेंटर्स में स्टूडेंट को लॉस ऑफ टाइम हुआ है, जिसके लिए कॉम्पेंसेशन मार्क्स दिया गया है। थर्ड पॉइंट में बोला गया है, फिजिक्स में एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें दोनों ऑप्शन को करेक्ट माना गया है। इन सारे रीजंस और कंसीडरेशन के लिए ही 67 टॉपर में से 44 टॉपर्स फिजिक्स के एक क्वेश्चन के लिए आ गए और 6 टॉपर्स कॉम्पेंसेशन फॉर टाइम लॉस के लिए आ गए हैं। इसके बाद रिजल्ट को 4 जून में ही क्यू डिक्लेयर किया गया था। इसके जवाब में NTA वालों ने बोला है कि रिजल्ट जब रेडी होता है तब डिक्लेयर किया गया है। और इसके साथ ही JEE मेंस का सेशन 1 और सेशन 2 का रिजल्ट भी 15 डेज के अंदर में डिक्लेयर किया गया था। 8 जून 2024 में एक फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज किया गया था NTA के द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह ने बोला है सेम चीज़, साथ में यही बोला है कि जो भी होगा उन सारे सेंटर्स के स्टूडेंट्स के लिए होगा जिसमें कम टाइम मिला है, पेपर देर से शुरू हो गए हैं, तो बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। और 1 वीक के अंदर में क्या डिसाइड करेंगे वो डिक्लेयर किया जाएगा। तो लास्ट में कॉन्फ्रेंस के टाइम पे क्या बोला है आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। फ्लोर पर आ जाएं, चाय की व्यवस्था है आपके लिए।